अब वायरस आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ज़रा ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि वायरस आखिर होता क्या है। वायरस आखिर एक इन्फेक्शन एजेंट होता है जो कि आपको जान से मार देता है, एक तरह का एजेंट होता है वो। वैसे देखा जाए तो वायरस जो है वो कई तरीके के होते हैं, कई तरह के अपने अपने जो वायरस होते हैं जो कि अलग अलग जो है वो अपने तरीके से जो है वो काम करते हैं। और वायरस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, बहुत ही छोटा, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो उससे देख सकते हैं। अब वो वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो एक सिंगल सेल होता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल जो बॉडी होती है, वो मल्टी सेल से बनी हुई होती है, उसमें मल्टी सेल होते हैं। तो एक जो वायरस होता है उसमें जो है वो सिंगल सेल होता है, मतलब सिंगल सेल होता है तो वो कुछ भी काम का नहीं है, वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो बाहर है तो वो किसी काम का नहीं है, वो अपना काम कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो किसी के बॉडी के अंदर जाता है या किसी की बॉडी के अंदर वो जाता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, अगर वो किसी के भी अंदर जाता है तब तो वो अपना काम करना जो है वो शुरू करता है। वायरस ये करता है कि आपकी जो बॉडी के जो सेल है उसको खाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, और उसी से वो अपना काम करता है, उसी से वो जो है वो डिवाइड होता चला जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वायरस डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। तो वायरस जो है वो डिवाइड होता है, अपने आप को जो है वो तोड़ता है, अपने आप को अपने बच्चे पैदा करता है। जब वो अपने बच्चे पैदा करता है, अपनी सेना बनाता है वो, फिर वो एक साथ मिलकर जो है वो उस बॉडी पर अटैक करता है, और उससे जो है वो हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो फाइट करती हैं उस कोरोना वायरस से। हमारा इम्यून सिस्टम जो है फाइट करने की कोशिश करता है, उसको डिफीट करने की कोशिश करता है। अगर इसको और सिंपल बनाया जाए तो वायरस आके जो है वो एक सिंगल सेल होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो बाहर है तो, और वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो ज़िंदा भी नहीं रह सकता। 24 या 3 दिन तक वो शायद वो ज़िंदा रह सकता है, जैसे कोरोना वायरस ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जब वो किसी के बॉडी में जाता है तब वो अपना काम करना जो है वो शुरू करता है। और हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेल से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी जो है वो हम अपनी बॉडी के मुताबिक जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन वायरस जो है वो सिंगल सेल होता है तो वो कुछ भी हमारा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के या किसी एनिमल के या किसी के भी अंदर जाता है तब वो अपना काम करना शुरू करता है, तब वो आपको डिस्ट्रॉय करता है, तब वो आपको नुकसान पहुँचाता है, तब वो डिवाइड होता है। तो इसी को जो है वो वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, जिसे हम जो है वो खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज की वीडियो में, ऐसा मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियोस बना दूं और आपको जो है वो सिंपल बात में जो साधारण भाषा में जो आपको बता सकूं कि वायरस आखिर होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी तरह मज़ेदार ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।